हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन की। ग्रीडी का क्वेश्चन है वो, बट उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम लोग चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे तुम्हें सारी नोटिफिकेशन के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन ऑफ ग्रीडी, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्स अमाउंट टू बाई ऑल एन कैंडीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ खोल दिया हूँ, तुम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेना। और यहाँ पर फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है एन के और कैंडीज, तो क्या ये सब है यहाँ पर, चलो समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें एन का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडीज। हमें यहाँ पर के का वैल्यू दिया हुआ है, वो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। नाउ वी विल बी गिवन अ प्राइज एरे, ठीक है, ईच एंड एवरी कैंडी नंबर वन, कैंडी नंबर टू, कैंडी नंबर थ्री, कैंडी नंबर फोर, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडीज है, ठीक है। और मतलब एक एक कैंडीज है और सबका प्राइस दिया हुआ है। जो कैंडी नंबर वन है उसका प्राइस थ्री है, कैंडी नंबर टू का प्राइस टू, वन एंड फोर, ठीक है, ऐसा करके दिया हुआ है। तो ये सब तुम्हारा कैंडीज दिए हुए हैं और उसका प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट निकालना है जिसे तुम सारे कैंडीज को खरीद सको, ठीक है, सब एक एक कैंडीज है, ठीक है। तुम्हें निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट जिसे तुम सारे कैंडीज को खरीद लो, एंड यू टू ऑल्सो फाइंड द मिनिमम अमाउंट जिसे तुम सारे कैंडीज को खरीद सको, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम अमाउंट एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट। तो तुम कितने ज्यादा पैसे लगाकर सारे कैंडीज खरीद सकते हो, कितने मिनिमम पैसे लगाकर सारे कैंडीज खरीद सकते हो, ठीक है। तो तुम सोच रहे होगे क्या सारा कैंडीज तो खरीदना ही है, सबका प्राइजेस तो दिए हुए हैं, तो फिर यहाँ मिनिमम मैक्सिमम केस कहाँ से आ गया। तुम सारा कैंडीज खरीद लो, जो प्राइस टोटल कर दो हो जाएगा। बट यहाँ पर एक ऑफर दिया हुआ है, ठीक है। ऑफर क्या दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर टू, ठीक है। तो ये के का एक फैक्टर है, के यहाँ पर दिया हुआ है टू। इसका मतलब क्या हो रहा है, इफ यू आर परचेजिंग एनी वन कैंडी, फॉर एग्जाम्पल यू आर परचेजिंग दिस कैंडी हुज प्राइस इज थ्री, ठीक है, तुम ये कैंडी खरीदे, देन तुम्हें क्या करना होगा, एटमोस्ट के कैंडीज लेना ही होगा एक्स्ट्रा, मतलब तुम्हें फ्री में मिल रहा होगा और तुम्हें वो लेना ही होगा। अगर मतलब केक अगर एटमोस्ट के कैंडीज और अवेलेबल है, देन यू हैव टू पिक दोस के कैंडीज, अदरवाइज उससे कम अवेलेबल होंगे तो तुम्हें वो उठाना ही होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, मतलब यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल ही लेता हूँ, ये थ्री वाला कैंडी जो है जिसका प्राइस थ्री है, तुम ये उठा लिए, पिक किए। नाउ हियर यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ के इज टू, देन यू कैन पिक एटमोस्ट टू कैंडीज एंड इट इज कंपलसरी, ठीक है, तुम्हें उठाना ही होगा, तुम एक्स्ट्रा उठा सकते हो। बट अगर के पीस अवेलेबल है तो उठा लो, अगर नहीं अवेलेबल, उससे कम अवेलेबल है, तो तुम्हें कम उठाना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, दो अवेलेबल नंबर ऑफ कैंडीज आर 3, that is 2, 1 and 4, and we have to pick at most 2 candies, तो यहाँ से कोई भी दो उठा लो, either I am going to pick 2,1, ये वाला उठा लो, या 1,4 उठा लो, मतलब तुम्हारा मन, but फिर वही maximum minimum करना, तो उसमें कोई case लगाना होगा, उस हिसाब से उठाना, but you can pick any 2 candies out of this 3, ठीक है, तो ये तुम समझ गए, ये हमारा पूरा कहानी है इस question का, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम करना है, तो अब तुम समझ रहे हो कि मिनिमम मैक्सिमम किया जा सकता है, बिकॉज के वाला एक फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वरना मतलब तो फिर सिंपल हो जाता कि सबको ऐड कर दो, भाई हमारा आंसर हो गया, उसी को मिनिमम मैक्सिमम में डाल दो, बट वही है ना कि मिनिमम मैक्सिमम कैसे होगा। तो ये के वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग समझ गए के का कॉन्सेप्ट है। नाउ हाउ आर गोइंग टू डू दिस, हमें निकालना है मिनिमम एंड हमें निकालना है मैक्सिमम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में सोचो, अगर तुम्हें मिनिमम निकालना है, मतलब मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो तुम पहले ऐसे कैंडीज को पिक करोगे जिसका प्राइस सबसे मिनिमम है, राइट। अगर तुम पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, अगर नहीं समझ आए फिर यहाँ पर आके सोल्यूशन देना, ठीक है। तो तुम मिनिमम निकालने के लिए वैसे कैंडी को पिक करोगे जिसका प्राइस सबसे कम है, ठीक है। तो दिमाग में पहले ये चीज अगर आया, तो तुम डायरेक्टली क्या करोगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। तो कर देते हैं, तो यहाँ वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया एंड फोर हो गया, फाइन, तुम ऐसे शॉर्ट कर दिए इसे। तो तुम क्या करोगे कि जो सबसे कम प्राइस है उसे पिक कर लो। नाउ आई एम गोइंग टू पिक दिस वन जिसका प्राइस वन है, तो मेरे आंसर में क्या हो जाएगा, मैं मीन का यहाँ पर जो ले लिया हूँ वेरिएबल, मीन वाले में यहाँ वन को ऐड कर दिया अपने आंसर में। जैसे ही मैं ये वन ऐड किया, नाउ आई कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ के इज टू, तो तुम्हें तो भाई दो कैंडीज उठाने ही होंगे एटमोस्ट, इफ इट्स अवेलेबल। वी कैन सी दैट थ्री कैंडीज आर अवेलेबल एंड यू हैव टू पिक एटमोस्ट टू, तो तुम्हें दो उठाने ही होंगे। अब तुम्हारा फायदा कहाँ होगा, तुम्हें तो मिनिमम निकालना है ना, तो मिनिमम निकालना है तो तुम वैसे कैंडीज को उठाओगे जिसका प्राइस मैक्सिमम होगा एकदम, ठीक है, एकदम ज्यादा जो होगा प्राइस तुम उसे उठा रहे होगे, क्योंकि तुम्हें मिनिमम प्राइस निकालना था। ऑब्वियस होता है जिसका प्राइस ज्यादा है वो जो तुम्हें फ्री में मिल जाएगा तो तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हें मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वन रुपीज वाला जो है मैं खरीद लिया और मुझे अलाउड था कि एटमोस्ट टू कैंडीज मैं पिक कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, फोर वाला पिक करूंगा एंड थ्री वाला पिक करूंगा, बिकॉज इसका प्राइस सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उसका प्राइस मुझे पे नहीं करना होगा, वो मुझे फ्री में मिल जाएगा।
तो मैं इसे भी उठा लिया एंड इसे भी उठा लिया, तो हमारा भी एट ऑलमोस्ट ₹1 में हमने 3 कैंडीज परचेज कर चुके हूँ, ठीक है। नाउ आफ्टर परचेजिंग दिस, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू दिस, अब तो एक ही अवेलेबल बचा हुआ है, तो मैं 2 वाला परचेज कर लिया, तो 2 वाला परचेज कर लेते हैं। एंड नाउ वी कैन सी दैट अवेलेबल कैंडीज है ही नहीं, कोई भी अवेलेबल नहीं है, सो आवर प्राइज इज 3। तो मिनिमम कॉस्ट कितना लगा, ₹3 लगा, ठीक है। तो ये समझ गए तुम्हारा मिनिमम कैसे निकला। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस। तो मैक्सिमम जब तुम सोच रहे हो तो पूरा उल्टा तुम लोग दिमाग लगाओ कि उल्टा ही करना है पूरा एकदम, जैसे यहां पर किए चीज सेम ही करना है बट पूरा रिवर्स डायरेक्शन में करना है। तो क्या करो, तुम्हें मैक्सिमम निकालना है तो तुम सबसे ट्राई करोगे वैसे कैंडीज को परचेस करने का जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली तुम उल्टा शॉर्ट कर दोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 4, 3, 2, 1 हम लोग इसे उल्टा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारा आ जाता है मैक्स वेरिएबल, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू परचेज दिस कैंडीज हुज प्राइस इज 4, आई हैव टेकन दिस, एंड नाउ वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ के इज 2, वी कैन टेक एटमोस्ट 2 कैंडीज फॉर फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर अवेलेबल 3 कैंडीज है, 2 उठाना है, तो हमें तो प्राइस मैक्सिमम करना है ना, तो हम वैसे कैंडीज को उठाएंगे जिसका प्राइस सबसे कम है, तो ऑब्वियस बात है वो सबसे लास्ट में हो रहा होगा बिकॉज वी हैव शॉर्टेड आवर एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्राइस 1 वाला बंदा है इसको उठा लिए, प्राइस 2 वाला बंदा है इसे उठा लिए, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फ्री में उठा लेंगे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम का ये कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम निकालना है तो सबसे बड़े वाले को उठाओ और सबसे छोटे वाले को फ्री में ले लो, और मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे छोटे वाले को परचेस करो और सबसे बड़े वाले को फ्री में ले लो, वैसे करते जाओ, बस हो गया काम। अब यहाँ पर आते थ्री में, अब 3 को तो परचेस करना ही होगा हमें, तो 3 को परचेस कर लिए, एंड नाउ वी कैन सी दैट देयर इज नो अवेलेबल कैंडीज, मतलब कोई अवेलेबल कैंडीज बचे नहीं है, तो वी कैन सी दैट 4 + 3 = 7। सो मिनिमम कैंडीज, मिनिमम अमाउंट टू परचेस ऑल द कैंडीज इज 3 एंड मैक्सिमम अमाउंट इज 7। तो ये हमारा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ गए। चलो हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तुम लोग कोड खुद से ट्राई करो, कोड अगर नहीं बना देन यहाँ पर आके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, हमें कैंडीज की प्राइसिंग दी हुई है, एन दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शॉर्टिंग आवर एरे, मैं इसे शॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर एम एम में निकालूंगा मैक्सिमम एंड एम आई में निकालूंगा मिनिमम, ठीक है। मैं 2 पॉइंटर ले ले रहा हूँ, आई पॉइंटर इन द फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजिशन एंड जे पॉइंटर इन द लास्ट पोजिशन, वही फंडा है, स्टार्टिंग से परचेस करो और लास्ट से फ्री में उठा दो, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर है तो लास्ट में तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा प्राइस वाला कैंडीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलाएं वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे, हम लोग क्या किए, जो एम आई वेरिएबल है उसमें कैंडीज ऑफ आई, मतलब उसे परचेस कर रहे हैं तो वो अमाउंट ऐड हो जाएगा, और सिंपली आई प्लस प्लस मतलब आई आगे शिफ्ट हुआ, और जे में से कितना माइनस करना है, के माइनस करना, बिकॉज वी कैन परचेज एटमोस्ट के नंबर ऑफ कैंडीज फॉर फ्री, उठा लिए हम लोग फ्री में, ठीक है। तो के जे से हम लोग माइनस करते गए, और या अब ये वाइल लूप जैसे ही ब्रेक होगा बस हमारा काम हो गया। तो फिर अब आ जाओ, हमें मैक्सिमम निकालना है, तो हमारा तो एरे तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड ही था, उसे रिवर्स कर दो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, और फिर पूरा सेम प्रोसीजर कर दो, ठीक है। तो हमारा एम ए में क्या हो गया, मैक्सिमम आंसर निकल चुका है। तो नाउ वी आर गोइंग टू रिटर्न एम आई कॉमा एम ए, मतलब वेक्टर रिटर्न करना था, नाउ वी कैन सबमिट इट। तो आंसर तो सही होगा, मैं चेक कर लिया हूँ। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो वी आर डूइंग दिस सॉर्टिंग, ठीक है। तो सॉर्टिंग से तुम्हारा एन लॉग एन ऑपरेशन हो जा रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है इसका एन लॉग एन, एंड स्पेस की बात कर ले तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्स्ट्रा स्पेस, वी आर टेकिंग ओनली एम ए एंड एम आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका रिक्वायरमेंट भी तुम्हारा क्या था, एंड वी कैन सी दैट रिक्वायरमेंट वाज आल्सो एन लॉग एन एंड ऑर्डर ऑफ 1। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, सोल्यूशन समझ आ गया होगा, अगर सही में सोल्यूशन समझ आया है तो लाइक करना वीडियो में, और कमेंट करके बताना कि यार कैसा लगा सोल्यूशन, और क्या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वही मैं बता दूंगा, और कुछ तुम्हें कुछ अलग तरीके की वीडियो चाहिए तो वही बता देना कमेंट्स करके, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, फ्रेंड्स के संग शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।